Hello friends, I'm Dr. Amit Shrivastava. I'm a senior consultant neurologist at Dharamshila Narayana Hospital, Vasundhara Enclave, New Delhi. Today I'm going to talk a few lines about a very prevalent problem called headache. ये आजकल जैसा हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे स्ट्रेस टेंशन बढ़ रही है तो ये हेडेक की प्रॉब्लम बहुत प्रिवलेंट होती जा रही है. मैं कुछ चीज़ें जस्ट बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें. एक तो जो हेडेक मैक्सिमम हेडेक जो होती हैं वो अमूमन इट इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ नॉट सिनिस्टर. ठीक है, ज़्यादातर जो बिगेस्ट ब्रैकेट ऑफ हेडेक्स हैं दे कम अंडर व्हाट वी कॉल एज टेंशन टाइप हेडेक. The second common headache which is prevalent is called migraine. So about migraine, I would also like to tell you that migraine is as prevalent as in adults as in children. आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी migraine हो रहा है. बच्चों में एक खास बात यह होती है कि migraine की presentation थोड़ी सी adult से अलग भी हो सकती है. जैसे कई बार कुछ बच्चे आते हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है और वो पेट में दर्द basically migraine की वजह से हो रहा होता है, या कुछ आँखों के आगे काफ़ी उल्टियाँ होती हैं, उनको हेडेक कम उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो भी माइग्रेन की वजह से हो सकती है. दूसरा, माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े क्लासिक होते हैं, आधे सिर में दर्द. बट कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आधे सिर में ही दर्द हो. इट्स अ थ्रॉबिंग हेडेक, देयर इज़ अ फोटोफोबिया, लाइट अच्छा नहीं लगता, आवाज़ अच्छी नहीं लगती. कई बार कुछ लोगों को हेडेक होने से पहले कुछ ऑरा होता है, ऑरा जैसे उनको कुछ बदबू वगैरह आने लगती है, स्मेल्स ऑल्टर हो जाती हैं, या आँखों के आगे फ्लैशेस ऑफ लाइट आती हैं, ये सब इनको, या कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, तो ये सब माइग्रेन हेडेक के शुरू होने से पहले के सिम्टम्स हैं. अब मैं आपको कहूँगा कि कुछ ऐसे हेडेक्स जिनको नॉर्मली लोगों को में ये टेंडेंसी होती है कि हेडेक है तो गोलियाँ खाते जाओ, पेन किलर खाते जाओ, कौन से ऐसे हेडेक हैं जिनमें आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए. तो वो है जो आपको बहुत सीवियर हेडेक है, बुखार के साथ अगर हेडेक है, बुखार हेडेक के साथ उल्टियाँ आ रही हैं, हेडेक के साथ कन्फ्यूजन है, हेडेक के साथ कमज़ोरी आ रही है एक तरफ, इस तरह के हेडेक को कभी भी नज़रअंदाज ना करें. थैंक यू.